हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं चंद्रकांत कोटेचा और आपके सामने पेश कर रहा हूं राग मध्यमाद सारंग। मध्यमाद सारंग की एक बहुत ही बड़ी फेमस बंदिश है, रसिकनी राधा पलना झूले। आप अगर YouTube में सर्च करेंगे तो पंडित जसराज जी की भी गाई हुई है और भी कई लोगों ने गाई है। बहुत अच्छी बंदिश है, फेमस है। तीन ताल में है और 140 BPM में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो राग मध्यमाद सारंग क्या है, ये पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। मध्यमाद सारंग जो कि औडव जाति का पांच स्वरों का राग है। सारे म पनीसा, सानी प मरेसा, इसमें ये मी कोमल लगता है। बाकी सारे स्वर शुद्ध हैं और ग और ध दोनों वर्जित हैं। तो ये काफी थाट से उत्पन्न राग माना जाता है। इसके वादी और संवादी रे और प है तथा इसको दिन के द्वितीय प्रहर में यानी आफ्टरनून दोपहर में गाया जाता है। इसकी पकड़ है नी सारे प म रे म रे नी सा। अगर आरोह में नी शुद्ध कर देंगे तो ये राग वृंदावनी सारंग हो जाएगा। अवरोह में तो कोमल ही रखना है वृंदावनी सारंग में भी। और इसी स्वर को आप लेके राग मेघमल्हार भी बजा सकते हैं। मेघमल्हार में यही कॉम्बिनेशन आरोह अवरोह का है। सारे म पनीसा, सानी प मरेसा और नी कोमल, सेम स्वर मेघमल्हार और मध्यमाद सारंग में। कोई स्वरों में कोई फर्क नहीं है, बस इसके चलन में, वादी संवादी में और इसको बजाने के प्रकार में थोड़ा फर्क आ जाता है। जो मेघ मल्हार है वो मल्हार अंग से गाया बजाया जाता है, जबकि ये मध्यमाद सारंग है वो सारंग अंग से गाया बजाया जाता है। तो इसकी एक बंदिश है रसिकनी राधा, तीन ताल में मैं आपके सामने पहले फ्लूट में बजा के बताता हूँ। इसके बाद मैं इसकी एक एक लाइन गाकर और नोटेशन समझाकर आपको बताता हूँ। साथ ही इसके शब्द में आपके सामने गाके सुनाता हूं ताकि आप इसको पकड़ सकें। 12वीं मात्रा से बंदिश शुरू होती है। रसिकनी राधा
पांच स्वर में यानी ए शार्प नोट में 140 बीपीएम की स्पीड में तीन ताल में बजाया गया था। अब इसकी एक एक लाइन उसकी नोटेशन भी गाकर आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये 12वीं मात्रा से शुरू होती है ये बंदिश। रसिकनी राधा पलना झूले रे नी सा रे प म रे म प म रे सा रे नी सा रे प म रे रे म प म रे सा देख देख गोपी जन फूले देख देख गोपी जन फूले नी प नी सा नी सा रे मारे नी पनी सा नी सा रे रे प मारे रे नी सा रे प म रे म प म रे सा रसिक नी राधा पलना झूले रे नी सा रे प म रे म प म रे सिकनी रा
पल ना झूले रसिक निराधा, पल ना झूले देख देख गोपी जन फूले रसिक निराधा, पल ना झूले रे निशा रे पम रे म पम रे सा रसिक निराधा, रसिक निराधा, रसिक निराधा, पल ना झूले। तो ये बहुत प्यारी सी बढ़िया सी अच्छी सी बंदिश है राग मधुमाध सारंग में। आप YouTube में सर्च करके पंडित जसराज जी की है अवश्य सुनना, और उसके बाद आप इसको बजाने की कोशिश करना या गाने की कोशिश करना, बड़ी अच्छी लगेगी, बढ़िया सी है। और ये मैंने जो नोटेशन के साथ आपको सिखाई है आपको तुरंत आ जाएगी, ये 10-15 मिनट का काम है। लेकिन आ जाने के बाद इसको आप कम से कम 200-500 बार बजाएंगे या गाएंगे तभी ये आपके जहन में फिक्स हो जाएगी और आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगी। तो सिर्फ सीखना काम नहीं है, इसका रियाज, इसका प्रैक्टिस बहुत 200-500 बार जरूर करना है ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद भी रह जाए। इसके बाद इसका थोड़ा आलाप, थोड़ी ताने सब भी आप तैयार कर सकते हैं, तो आपकी बहुत एक अच्छा सा राग आपका तैयार हो जाएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी अवश्य कर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। राग मधमा सारंग, मधमा सारंग को कई लोग मध्यमादि सारंग के मधुमादि सारंग कहते हैं, हम मधमा सारंग ना उल्लेख करेंगे। यह एक काफी ठाट जन्य राग है, गंधार और दैवत वर्जित है, उसकी जाति ओडव कही जाएगी। कोमल निषाद का प्रयोग होता है, अन्य स्वर शुद्ध प्रयुक्त होते हैं। गाने का समय मध्यान्ह है। मध्वात सारंग का चलन वृंदावनी सारंग जैसा ही रहेगा। वृंदावनी सारंग में दो निषाद का प्रयोग होता है, यहां केवल कोमल निषाद का ही प्रयोग होगा। हम उनकी आरोह अवरोह और